वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह अलजेब्रा मैथ से रिलेटेड है उसी तरह ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड होगा। तो अलजेब्रा किसका टॉपिक है? ये जो है मैथ्स का टॉपिक है, उसी तरह जो ऑप्टिक्स है वो किसका टॉपिक हो जाएगा? ये फिजिक्स का टॉपिक है। किसका? फिजिक्स का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिजिक्स। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहां पर देखिए, सेट में जो नंबर्स के बीच आपस में रिलेशन है, सेम रिलेशन इनमें से किस नंबर में है? ठीक है, तो देखिए 8 और 7 और 15, 8, 7 और 15। तो अगर आप इसको देखिएगा, देखिए 8 प्लस 17 कितना हो गया? 25। और 25 में अगर 10 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 15। तो पहले वाले में देखिए 7 है, उसमें आप 25 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप 10 माइनस किए तो 24 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 6 प्लस 10 16 माइनस 10 6, इसमें भी ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो होगा क्या? तो एक देखिए, अगर हम, ठीक है, 17 है ना, 8 और 15 का एवरेज निकालते हैं तो कितना होगा? 8 स्क्वायर और स्क्वायर करके 15 स्क्वायर लेते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 64। अठी अठी 8 पर स्क्वायर हो गया 64 और 15 पर स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, तो इस पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 700 78। ठीक है, 289 कितना हो गया? 289। इसको ऐड किए तो ये कितना हो गया? 289। और ये किसका? 17 पर स्क्वायर है, यानी इन दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो बीच के स्क्वायर के बराबर होगा। उसी तरह 7 पर स्क्वायर कीजिए प्लस 24 पे स्क्वायर कीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया? 24 पे स्क्वायर कितना हो गया? 500। 24 पे स्क्वायर कितना हो गया? 23 पे स्क्वायर होता है 529, और 24 के स्क्वायर कितना हो गया? 576। ठीक है, 500 576 और प्लस 49, तो कितना हो गया? इसको जब ऐड किए, 9 6 15 5, हाथ में रहा 1, 6 4 11 1 12 का 2, हाथ में रहा 625। ठीक है, और ये 625 जो होगा ये किसका? 25 पर स्क्वायर होगा। तो ये वाला जो होगा इसके जैसा क्या है? ये है। अगर इसमें देखिएगा बी में, तो 6 पर स्क्वायर 36, 9 पर स्क्वायर हो गया 81, तो ये तो नहीं होगा, 119 लाने 10 का स्क्वायर तो नहीं होगा। 9 पर स्क्वायर हो गया 81 प्लस 121, ये 202 होगा क्या? 15 पे स्क्वायर नहीं होगा, ये भी जो है नहीं होगा, तो क्या होगा? इसमें ये वाला हो गया। इसमें क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर करना है प्लस थर्ड टर्म पर स्क्वायर करना है, और ये जो होगा दोनों सेकंड टर्म पर जो स्क्वायर होगा इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, देखिए 3 of the 4 words are like in certain way and one is different. Odd one out का question है, ठीक है? हमको विषम चुनना है। तो आप इसमें देखिए, अगर आप देखिएगा तो Julius, sad और angry, ठीक है? ये आपको जो है angry जो है ये भी एक emotion का part है। उदास आपको दिखेगा कि उदास हो रहा है, ये भी एक emotion है, लेकिन weeping जो होता है ये एक क्रिया है, अब कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? जिलियस
रिलियस हो गया, सैड हो गया, एंग्री हो गया, ये क्या है? एक इमोशन है, ठीक है, इमोशंस है, ठीक। लेकिन वीपिंग क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, आप रोते हैं, ठीक है, रोते हुए आप दिखते हैं कि आप रो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके हाथ में होता है कि आप रो रहे हैं, ये तो क्या है? एक एक्शन है, एक्शन मतलब बोल सकते हैं क्रिया, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे अलग होगा तो ये क्या होगा? वीपिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कोई फंस सकता है। अब देखिए, ए का वैल्यू 4 दिए, ए का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 1 होता है, और इसमें 3 ऐड करके इसमें 4 बना दिया गया है। सी का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, इसमें 3 ऐड करके जो है 6 बना दिया। तो सभी में जो है पावर है POWER, तो पावर का कितना होता है? 16 होता है, O का 15 होता है, W का 23 होता है, 5 होता है, R का 18 होता है। तो सभी में जो हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 19 हो गया, ये कितना हो गया? 15 3 18 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा? 15 और 3 18, 15 3 18, 23 3 26, 5 3 8, 18 और 3 हो गया 21। तो इसको एक साथ लिख दो, 19 18 26 8 21, 19 18 26, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, ये बढ़ ही रहा है, फिर यहाँ देखिए अचानक से घट रहा है। तो अचानक से घट जाना इसका मतलब होता है कि ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, एक छोड़कर एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए अचानक से घट गया, ये इंक्रीजिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए दो दो का इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर एक का इंक्रीज हुआ, मैं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर अचानक से इतना इंक्रीज हो गया, फिर इधर फिर डिक्रीज हो गया, तो इस टाइप का इंक्रीज डिक्रीज, फिर अचानक से बहुत इंक्रीज, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा क्या होता है? मिक्स सीरीज का क्वेश्चन होगा, मतलब दो उसमें सीरीज जो होगा ऐड होगा। अब देखिए, एक छोड़ के एक लीजिए, इसमें कितना है? +4 है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है? +8 है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है? +16 है, यानी कि दोगुना है, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। तो यहाँ भी देखिए उसी तरह, ये कितना हो गया? +3 हो गया, फिर यहाँ देखिए इसी तरह दोगुना करेंगे +6, फिर इसी तरह दोगुना करेंगे +12। तो अब सही है कि नहीं है? 5 + 3 8, 8 6, देखिए 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 होगा, ठीक है, 8 + 6 कितना होगा? 14 होगा, और 14 में फिर से अगर हम 12 जोड़ देंगे, 14 हो गया, और 14 में जब हम 12 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 26। तो यहाँ भी 26 अंतिम पे, यानी कि ये क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर्स सीरीज विद कंप्लीट द। तो ये जो सीरीज दिया गया है इसमें भी लेटर्स ही अंदर होगा, तो जो एक पैटर्न का फॉर्म करेगा, पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो इसको पहले काउंट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए कितने हैं? 18 नंबर है, ठीक है, तो 18 अगर तोड़िएगा तो 3 × 6, मतलब 3 अगर ग्रुप बनाइएगा तो 6 पेयर बनेगा, 6 ग्रुप बनाइएगा तो 3 पेयर, पहले बड़ा वाला ही लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे किए, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 6, देखिए 6 होगा, तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 6 6 का ग्रुप बनाए तो 3 पेयर बना, ठीक है। तो इसको देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, पहला वाला सी है तो यहाँ सी डाल देते हैं, फिर यहाँ पे हम सी डाल देते हैं, तो उसके बाद ए के बाद क्या है? डी है, यहाँ भी डी डाल देते हैं, ठीक है, डी देखिए सब में है। अब देखिए डी के बाद यहाँ क्या है? बी है, तो यहाँ भी हम बी डाल देते हैं, और डी के बाद यहाँ भी मेरा बी है, देखिए सभी सेम हो गया, CAD BAB CAD BAB CAD BAB, तो क्या क्या भराया? DC DC DC, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, DCBCP,
रहा है ना, डी सी बी सी डी, तो यही मेरा होगा। तो पहले इसमें क्या हम लेंगे एक्शन, कि पहले काउंट कर लेंगे, और काउंट करके इसको जो है तोड़ लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो जितना ग्रुप रखना है उसको एक पेयर में रखेंगे, ग्रुप में रखेंगे, और फिर कितना होगा, जैसे 6 में 6 लेटर हुआ, तो 6 6 लेटर करके यहाँ 3 ग्रुप बना, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 ग्रुप है। अब यहाँ देखिए हमको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। और रो वाइज में अगर देखिएगा 19 है, 25 है, फिर 16 है, इसमें से कुछ भी नहीं अगर, लेकिन इसमें अगर रो वाइज देखते हैं, कॉलम वाइज में समझ में नहीं आएगा, बट रो वाइज अगर देखते हैं तो एक चीज समझ में आता है कि जैसे 19 है, ठीक है, 19 है, 19 और लास्ट वाले 20 को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 39, और इसका दोगुना करते हैं तो बीच वाला आ जाता है, ठीक है। उसी तरह 25 है प्लस लास्ट वाला 47 है इस कॉलम में, और इसको जब ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया, 4 2 6 7, और इसका करेंगे तो 144 आएगा जो कि बीच में है। इसको देखते हैं तो उसी तरह 16 और अंतिम वाला 13, तो कितना हो गया, 29 हो गया। 29 को 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 58 होगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए इसमें हम 150 वाला मेथड लगा के देखेंगे, 150 मेथड। तो सम वाले केस में दोनों साइड क्या होगा, 50-50 होगा, ठीक है, दोनों साइड जो है 50-50 इसमें भी, और नो वाले में दोनों साइड जो है 100-100 होगा। और ऑल का केस रहेगा, जैसे ऑल मान लिए काउ इज डॉग, ठीक है, तो इस टाइप में ऑल वाले में 100 और इधर वाले में 50 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर ये है, जैसे इन दोनों में ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट हो गया और ये जो है दूसरा स्टेटमेंट हो गया, तो दोनों के बीच में कनेक्शन तब बनेगा जब 50-50 का सेम जो रहेगा ऑब्जेक्ट उसमें 50-50 का नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है, दोनों में मेमल है, तो एक में 50 है और एक में 100 है, तो रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर दोनों में 50-50 रहता, मान ली यहाँ भी सम वाला में रहता, सम मेमल इज हरी वेयर हरबी भोर, ठीक है, सम मेमल इज हरबी भोर, तो अगर उस कंडीशन में यहाँ सम रहता तो 50-50, तो दोनों में रिलेशन नहीं बनता। 50-50 अगर सम सब्जेक्ट के लिए होगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नो हर्बी बोर इज मैमल, तो नो हर्बी बोर इज मैमल है, तो यहाँ पर देखिए किस हर्बी बोर है मैमल है, ये सेकेंड में ही दोनों मिल जाएगा आपको, हर्बी बोर और मैमल, ठीक है। तो हर्बी बोर के लिए यहाँ कितना चाहिए, नो है, तो इसमें भी 100 चाहिए और इधर वाले में भी 100 चाहिए, क्योंकि नो के स्टेटमेंट है दोनों साइड 100, तो यहाँ हर्बी बोर का तो 100 है ही, तो यहाँ पर मार दिए 100, 100 में 100 मिल जाएगा। फिर मेमल के लिए भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो ये दोनों साइड 100 है और 100 ही मांग रहा है। फिर इसमें देखिए सम मेमल आर एनिमल, तो मेमल आर एनिमल कहाँ है, देखिए एक ही जगह यहाँ पर नजदीक होगा उसी को लेंगे, जैसे यहाँ पर मेमल और एनिमल कह रहा है, तो मेमल और एनिमल जो है पहला स्टेटमेंट से मिल जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सेकेंड वाले मेमल है तो इसको और इसको लेंगे, नहीं, इसके नजदीकी है तो नजदीकी वाले को ही लेंगे, ठीक है। तो मैं पहला वाला से स्टेटमेंट, तो यहाँ भी सम है तो दोनों में 50-50 चाहिए। तो देखिए अगर मान लिए 50, इसको 50 रुपये मांग लीजिए, तो इस आपके पास कितना है, यहाँ 50 रुपया है और मांग कितना रहा है, 50 रुपये है मांग रहा है, तो यहाँ मेमल में 50 है और 50 मांग रहा है तो ये हो जाएगा। फिर एनिमल में 50% चाहिए तो यहाँ पर 50 रुपये है ही, मिल गया, तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 50 है और आपको 100 मांगता, तो फिर कैसे दे पाइएगा, आपके आपको चाहिए 100 रुपये, इसके पास है 50 रुपये, तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या चाहिए, एनिमल में भी 100 चाहिए और हर्बीवोर में भी 100 चाहिए,
ठीक है, क्योंकि नो वाला स्टेटमेंट है। तो देखिए एनिमल यहाँ है, हर्बिवोर यहाँ है, हमने कहा कि 50-100 है तो आपस में रिलेशन बन सकता है, ठीक है, 50-50 रहता तो नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या है, आपको यहाँ पर एनिमल में कितना है, 50 रुपए है, ठीक है, एनिमल में कितना है, 50 रुपए है, लेकिन एनिमल में यहाँ कितना मांग रहा है, 100 रुपए। तो 50 जगह 100 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। तो 150 से पता चल जाता है कि पहला और दूसरा जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नॉर्मल देखते हैं डायग्राम से कैसे बनता है, सम एनिमल आर मैमल, तो ये मान लीजिए क्या है, एनिमल है और ये वाला क्या है, मैमल है, तो सम का केस ऐसे ही होगा, ठीक है, सम का केस ऐसे ही होगा। फिर नो मैमल इज हर्बीवोर, तो नो मैमल इज हर्बीवोर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नो हर्बीवोर इज मैमल, तो नो हर्बीवोर इज मैमल, मैमल और हर्बीवोर के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो मैमल ना तो हर्बीवोर में जाएगा ना हर्बीवोर मैमल में आएगा, इसलिए पहला वाला करेक्ट होगा। सम मैमल और एनिमल, तो यहाँ पर तो है इस सम का केस मैमल और एनिमल के बीच में, ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा। नो एनिमल इज हर्बीवोर, ठीक है, एनिमल यहाँ है हर्बीवोर है, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। अगर बोलता कि सम एनिमल इज नॉट हर्बीवोर तब क्या होता, करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये देखिए जो एनिमल पार्ट, जो एनिमल का पार्ट जो है मैमल के साथ जुड़ा हुआ है वो तो इसमें नहीं जाएगा ना, ठीक है ना, तो ये क्या होता, करेक्ट होता। यहाँ बोल रहा है कि एनिमल पूरा पूरा एनिमल जो है इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि जो मैमल के साथ कनेक्टेड वो इसमें नहीं जाएगा, बट बाकी पार्ट का क्या हम नहीं कह सकते। यही अगर पॉसिबिलिटी का केस करता तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता, ये सही हो जाता, ठीक है, तो इसमें भी पहला और दूसरा क्या होगा, सही होगा, सॉरी पहला और दूसरा जो होगा ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज द सिस्टर वाई, मतलब क्या हो गया, एक्स सिस्टर है वाई का, लेकिन वाई का जेंडर हमको नहीं दिया गया, ठीक है, वाई बहन का बहन भी बहन हो सकती है, ठीक है, तो एक्स इज द सिस्टर, एक्स जो है वाई की बहन है, बहन है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। एम हैज 2 चिल्ड्रन, एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का छोटा बेटा, वह ई का बेटा है, ठीक है, एम जो है ई का बेटा है, उसका 2 बच्चा है, तो मान लीजिए एम कहाँ है, ई यहाँ हो गया, तो एम का ये एम हो गया, ठीक है, सन ऑफ ई, यानी कि एम जो होगा ये प्लस होगा, मेल है सन है, और इसके 2 बच्चे होंगे, ठीक है, 2 बच्चा होगा। फिर क्या कह रहा है कि एच हैज ओनली 1 सन, एच का जो है केवल 1 बेटा है, और देखिए यहाँ पर हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, एम हैज 2 चिल्ड्रेन एंड ही इज द सन ऑफ ई, एम के 2 बच्चे हैं और वो जो है ई का बेटा है, और फिर यहाँ बोल रहा है कि हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, यानी ई जो है एच का जो है फादर इन लॉ है, ठीक है, यानी कि ई का बेटा है जो एच का ससुर है, ठीक है, इंग्लिश में आप इसको देखिएगा तो आसानी से कंफर्म होगा, ई जो है एच का ससुर है, तो ससुर होने के लिए ई को क्या, यानी ई जो है ये क्या होगा, ससुर है, एम का ये कौन है, फादर है, इसकी जो पत्नी होगी ये कौन होगा, एच होगा, तभी इस कंडीशन में जो है ई एच का ससुर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं, 3 लोग यहाँ हो गए और इसके नीचे जो हो गए 2 होंगे, और ये वाई जो होगा ये क्या होगा, इस बेटा होगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए एच हैज ओनली 1 सन हो गया, तो एक्स जो होगा एम और एच का संतान होगा, लड़की संतान होगा, मतलब बेबी गर्ल होगा, और ये जो है बेबी बॉय होगा, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि एक्स जो है ई से कैसे संबंधित है, कौन होगा ये ई जो होगा इसका कौन होगा, एक्स का दादाजी होगा, एम चूंकि एक्स का फादर हो गया और ई एम का फादर हो गया, तो ये कौन होगा, ई
x का दादाजी होगा और x जो होगा इसका पोती होगा और y जो है e का क्या होगा, पोता होगा। तो हमको x का e के साथ कनेक्शन बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। अब कह रहा है कि a प्लस बी मतलब a इज द सिस्टर ऑफ b, ठीक है। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया रहेगा तो देखिए क्या करना है कि जैसे a प्लस बी का मतलब a इज द सिस्टर ऑफ b, तो जैसे a प्लस बी है और पहला वाला दूसरे वाला का अगर दिया रहेगा कौन है, तो इस कंडीशन में इस स्टेटमेंट में राइट से लेके लेफ्ट तरफ हम जाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे a प्लस बी मतलब a इज द सिस्टर ऑफ b, पहला वाला जो है दूसरे वाला का रिलेशन होगा तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। राइट टू किधर चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया, तो इधर से हमको इधर चलना है। और अगर ये दूसरा वाला पहला वाला का होता तो राइट लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करना है कि माइनस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ माइनस दिया गया है तो माइनस का मतलब क्या है, डॉटर है। तो इसके नीचे लिख दिए हमको कहाँ से R और P के बीच में रिलेशन निकालना, तो बस R से P तक चलिए। तो ये क्या हो गया, बेटी हो गया। भाग का मतलब क्या हो गया, देखिए भाग का मतलब माँ हो गया, ये क्या हो गया, माँ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, गुना का अर्थ हो गया भाई, ठीक है। और भाग का मतलब क्या हो गया, माँ हो गया, ठीक। अब देखिए कभी कभी क्या है कि जैसे मान लिए यही ले लिए a भागा t माइनस r, अब t का जेंडर क्या होगा हमको कौन इसके बगल वाला साइन बताएगा, ठीक है। और इसके बगल वाला साइन मेल होगा कि फीमेल होगा, यहाँ से देख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस का मतलब डॉटर हो गया और बेटी क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो ये जो हो गया क्या हो गया, फीमेल हो गया। ये सिंबल फीमेल के लिए यूज किया गया है तो उसके राइट साइड में जो है वो भी फीमेल होगा, ठीक है। अगर आर का जेंडर, आर के इधर कुछ भी नहीं है तो हम नहीं बता सकते आर का जेंडर क्या होगा, बट किसी किसी कंडीशन आपको पता ही चल जाएगा। जैसे बोलेगा कि मेरी पत्नी, अगर आर बोल रहा है मेरी पत्नी तो इसका मतलब आर क्या होगा, मेले ना होगा, तो इस कंडीशन को छोड़कर, ठीक है। अगर बोलेगा मेरा बेटा तो मेरा बेटा में ये पिताजी भी कर सकता है और माता भी कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन मेल या फीमेल डिसाइड कौन करेगा, इसके बाद का सिंबल करेगा। तो यहाँ देखिए आप, अब देखिए इसको सॉल्व करने में क्या करना है कि आपको इस साइड में आर के जगह में खुद को रखिए और फिर आप अपने से रिलेशन निकालिए। मान लिया आर के जगह में आप हैं, ठीक है। अब बोलिए मेरी बेटी, मेरी बेटी की माँ मेरी कौन लग गई, मेरी बेटी की माँ मेरी पत्नी लग गई, और मेरी पत्नी का भाई मेरा कौन लग गया, साला लग गया, और साला की माँ मेरी कौन लग गई, सास लग गई। तो P मेरी कौन हो गई, सास हो गई। तो हम उसका कौन लग गए, P मेरी सास लग गई। और यहाँ पर देखिए मेरी पत्नी कह रहा था तो इसका मतलब R, ये जो होगा R ये पॉजिटिव इंसान होगा ना, तो ये मेरी सास हो गई तो हम उसका कौन हो गए, दामाद हो गए। R के जगह हम थे, ये दामाद हो गया, ठीक है। तो R का रिलेशन निकालना, R P का कौन लगा, पी आर का कौन लग गया, सास लग गया, लेकिन आर तब कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। दामाद को सन इन लॉ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, डॉटर्स हस्बैंड दिया गया, एक ही बात है, बेटी का पति, ठीक है। यानी कि पी के बेटी का पति कौन लग गया, पी का दामाद ही लग गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिले। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि मेरे यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं और सिंबल में जो है जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है और ट्रायंगल शो हो रहा है कि ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये आर्मी मैन को शो करता है, ये जो है किसको शो कर रहा है, सर्कल एथलेट को, और ये स्ट्रांग मैन किसको, ये रेक्टेंगल को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ निकालने क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रांग आर्मी मैन आर नॉट एथलेट्स, कितना स्ट्रांग आर्मी मैन जो है एथलेट नहीं है, तो एथलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एथलेट
नहीं होना चाहिए। तो एथलेट वाला क्या है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल वाले व्यक्ति की जो है कोई भी उसमें नहीं आना चाहिए, भूल जाइए इस सर्कल को। यहाँ कह रहा है ना एथलेट नहीं होना चाहिए, इस सर्कल वाला कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं आएगा। अब देखिए बचा कौन, आर्मी मैन स्ट्रांग, तो कितना स्ट्रांग मैन आर्मी है ये निकालना है हमको, तो एथलेट वाले को हटा दिए। स्ट्रांग मैन होना चाहिए और आर्मी भी होना चाहिए, यानी जो दोनों में कॉमन है वही होगा। ये आठ वाला जो है ये क्या है, ये सिर्फ ये किस में है, ये देखिए सिर्फ ट्रायंगल में ही है और किसी के साथ ये तो शेयर नहीं कर रहा है, ये रेक्टेंगल के साथ भी शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी तो नहीं होगा। आठ वाला केवल आर्मी मैन होगा, छः वाला जो है केवल स्ट्रांग मैन के अंदर है इसलिए ये होगा, सात वाला देखिए केवल ये रेक्टेंगल का पार्ट है इसलिए स्ट्रांग मैन है, लेकिन ग्यारह जो है ये मेरा इस रेक्टेंगल में भी है और ये ट्राइंगल में भी है, इसीलिए ये जो होगा ये क्या होगा, आर्मी मैन है जो स्ट्रांग भी है। अब आइए कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इल्यूट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोइंग क्लासेस। तो वेन डायग्राम के थ्रू वोमेन एम्प्लॉयड और मदर्स को बताना है। अब देखिए मदर्स जो आती है ये सभी मदर जो है ये किसमें आ गया, वोमेन के अंदर आ गया, ठीक है, और ये मदर भी एम्प्लॉयड हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और ये जो है जब मदर होगा तो सभी ओमेन जो है ओमेन का कुछ पार्ट भी है जो एम्प्लॉयड होगा और नहीं भी होगा, तो ये एम्प्लॉयड के लिए है, ठीक है। तो इसका इस तरह से बनेगा, तो किसमें है इसमें है, ठीक है। अब इसमें देखिए 13 नंबर, सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फाउंड फोल्डिंग बाई गिवेन अनफोल्डेड बॉक्स। ये अनफोल्डेड बॉक्स है और इसको जब फोल्ड किया जाएगा इसमें से कौन सा डायग्राम नहीं बनेगा। अब देखिए इस तरह का अनफोल्डेड में क्या है कि याद रखिए कि जो दिखता है वो आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होगा, जो जो दिख रहा है वो कभी भी आपस में अपोजिट नहीं होगा, ठीक है, और जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, जो अगल बगल होगा वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, और जो अपोजिट होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो इसमें देखिए इसमें एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, ठीक है, ए और क्या है सी आपस में अपोजिट होगा, उसी तरह डी और एफ आपस में क्या होगा अपोजिट होगा, डी और एफ आपस में क्या होगा अपोजिट होगा, बाद बाकी जो बच गया वो आपस में अपोजिट होगा, तो कौन हो गया बी हो गया और ई हो गया, बच गया आपस में अपोजिट होगा, ठीक है। तो जब ए और सी अपोजिट है तो ए और सी कभी भी अगल बगल नहीं होगा, डी और एफ कभी भी अगल बगल नहीं होगा क्योंकि अपोजिट है, बी और ई कभी भी अगल बगल नहीं होगा क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन देखिए बी ई सी, ये तो सभी अगल बगल है ना, ये सभी भी अगल बगल है तो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि बी और ई क्या है अपोजिट है, लेकिन यहाँ देखिए बी के बगल में ई दिख रहा है, तो ये क्या होगा नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए एफ ई सी, एफ दिख रहा है तो कहीं पर डी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ई दिख रहा है तो बी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है तो ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये मेरा बन सकता है। इसमें देखिए डी दिख रहा है तो एफ नहीं दिखेगा, एफ कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, फिर ई दिख रहा है तो बी कहीं मेरा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ए दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा, यहाँ ए दिख रहा है सी दिख रहा है क्या, नहीं, ये भी बन सकता है। इसमें देखिए सी दिख रहा है ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है बी के अपोजिट ई है, ई कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, डी है तो एफ मेरा नहीं दिखेगा, और नहीं दिख रहा है तो ये भी बन सकता है। तो कौन नहीं दिखे बनेगा, ए वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ए है, ये कभी भी मेरा नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पांच बॉल जो है आपस में एक के जरूरी नहीं है किसी क्रम में,
यहाँ पर बोला जा रहा है कि L1 जो है L5 के तुरंत ऊपर रखा गया है, ठीक है, L1 L5 के तुरंत ऊपर रखा गया है और जस्ट बिलो L4, और L4 के तुरंत नीचे जो है L1 रखा गया है। L2 इज जस्ट अबव L3, L3 एंड जस्ट बिलो L5। जब दोनों को मिला देते हैं तो कैसा होगा, L4 L1 L5 L2 और L3। यहाँ पूछ रहा है क्या L2 के ऊपर कितनी गेंदे हैं, तो L2 के ऊपर, L2 यहाँ है ना, तो कितनी गेंदे हैं, तीन गेंदे हैं, तो तीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, रोहन इज फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री। तो क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। तो कैसे याद रखना, वामावर्त, वा से विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में वामावर्त। तो एक को आप मान लीजिए कि क्लॉकवाइज को या पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज को आप क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, और एंटी क्लॉक को जो है नेगेटिव लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया +45 डिग्री। फिर अगेन क्लॉकवाइज है कितना, +180 डिग्री, और एंटी क्लॉक है 225 डिग्री। तो देखिए कितना हो गया, ये माइनस हो गया आपका, ये प्लस, ये भी 225 और ये भी 225 डिग्री, ये कट के जो है क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जहां पर था चेंजिंग के बाद वहीं वापस आ जाएगा। तो कहां पर, पहले वो पश्चिम दिशा में उन्मुख था, अब भी जो है पश्चिम दिशा में होगा, वेस्ट में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी आता प्लस माइनस में, तो अगर जैसे माइनस मान लीजिए कुछ भी आ जाए आंसर, माइनस एक्स रहता तो माइनस के लिए क्या, एंटी क्लॉक, तो माइनस हम कितना, जितना डिग्री रहता उतना एंटी क्लॉक घूम जाते, प्लस में रहता तो जितना रहता वो क्लॉकवाइज उतना घूम जाते, ठीक है। अब देखिए, 5 नवंबर 2019 को ट्यूसडे है, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 5 दिसंबर 2011, ठीक है, 2019 का है और 2011 का पूछ रहा है। तो इसमें जो है आप कोडिंग याद रखिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें क्या रखिए, 0:33, 0:35, 614, 625, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, 614, 625, ठीक है, और 5 नवंबर 2019 है। तो 5 का 5 रखेंगे, नवंबर के लिए क्या रखेंगे, ये देखिए नवंबर का हो गया 3, और इसको लिख सकते हैं 2019 को, 2000 प्लस 19, 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। हमने ऑलरेडी इसको बता चुका है कि जो भी लीप ईयर आएंगे उसका 6, फिर लीप ईयर से एक अधिक हो गया तो 4, और 2 अधिक हुआ लीप ईयर से तो 2, और 3 अधिक हुआ तो 0, ठीक है। तो ये कितना होगा, 6 हो गया, और 19 का 19 लिखेंगे। अब इसमें 19 में कितना लीप ईयर है, तो 19 को हम 4 से डिवाइड देंगे कि जितना टाइम खाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, 19 से ज्यादा, तो 4 चौका 16, तो 4 चौक 16 में 4 टाइम खाया तो 4 लीप ईयर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, तो जो डायरेक्टली कट जाता है उसको कटा देंगे, अब पूरा ऐड करके ही 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, 4 और 3 7, 7 रहेगा तो इसको कैंसिल कर दिए, ठीक है, ऐड करने पर। और जैसे 6 5 11 19, और 5 कितना हो गया, 24,
ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, 19, 6, 25, 5 हो गया 30, 30 को डिवाइड देंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 7 का 28, रिमेनिंग हो गया 2। तो जो 2 जब रिमेनिंग हो गया तो 2 किसका कोड होता है, अगर डे में देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो संडे खाली खाली दिन होता है 0, और सप्ताह पहला दिन जो होता है मंडे होता है, फिर ट्यूसडे होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। तो आपको बस इसमें संडे को 0 देना है और मंडे पहला दिन होता है तो 1 देना है, तो 2 किसके लिए, मंगलवार के लिए। तो इसका मंगलवार है और यहाँ भी मेरा क्या करेक्ट मंगलवार ही आया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरह इसका है 5 दिसंबर 2011 को, तो 5 दिसंबर का कोड कितना होगा यहाँ पर, 5, और 2000 का कोड होता है 6, फिर 11, और 11 में कितना लीप ईयर है, 4 से डिवाइड, अब 2 टाइम खाएगा, 11 है 4 से डिवाइड, 4 दुना 8, 4 तिया 12 हो जाता है, इसलिए 4 दुना 8, अब इसको 7 से करेंगे, ठीक है। 7 से जब करेंगे तो देखिए कौन कौन सा आएगा, ग्यारह पाँच 16, 2 18, तो इसको सम कीजिए, 5 और 5 क्या हो गया 10, 10 और 6 हो गया 16, 16 2 कितना हो गया 18, 18 10 28 1 29, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 7 का 28, रिमेनिंग हो गया 1, तो 1 किसके लिए है, मंडे के लिए, सोमवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सोमवार, ठीक है। तो ये 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो रीजनिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।